पेट दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी। बांग्लादेशी नागरिक प्रकरण समेत विभिन्न मामलों में जिला कारागार महाराजगंज में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को दर्द की समस्या पर जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों की सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें जांच के दौरान दोनों गुर्दों में पत्थरी मिली है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें दवाई एवं आवश्यक सलाह भी दी। बता दें कि कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को पिछले दिनों कानपुर से महाराजगंज जिला कारागार में स्थानांतरित किया गया। जिला कारागार स्थानांतरित होने के बाद उनके कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत थी। इधर पिछली पेशी पर कानपुर जाने के दौरान उनके अधिवक्ता ने बेहतर इलाज न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला कारागार से भारी पुलिस फोर्स के बीच सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला अस्पताल लाया गया। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला जेल से यहां जिला अस्पताल में लाया गया था। उनके पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें दोनों गुर्दे में पत्थरियां पाई गईं और कमर दर्द उन्होंने बताया था, जिसके लिए डॉक्टरों ने उसको देखा, जांच किया और दवाएं लिख दिया।